नमस्ते मित्रों, मेरी ये कविता जो धृतराष्ट्र का दुख, इसके शीर्षक है, यह 506 पंक्तियों की है। निरंतरता में यदि इसको पढ़ा जाए बिना समझाए तो 20 मिनट का समय लगेगा लगभग। अब मैं इसका वाचन करने जा रहा हूँ। धृतराष्ट्र का दुख। धरणी क्षेत्रे विश्व पटले समवेता स्वास्तित्व विश्वश्च मया भारत किम कुर्वत संजय। कई सहस्र सम्मत उपरांत या स्वराष्ट्र स्मृति आई, जिस भारत के हेतु है संजय, हुई महाभारत की लड़ाई। जिस भारत में धर्म हेतु 18 दिनों तक युद्ध चला, धर्माधर्म के द्वंद्व भाव में पूर्ण राष्ट्र संपृक्त रहा। जिस भारत में 5 जनों ने सबके सम्मुख हार न मानी, राज्यहीन हो बन दुख भोगा फिर भी धर्म युद्ध की ठानी। 24 लाख थी कौरव सेना, जिसमें केशव की नारायण, जबकि पांडुजनों के पीछे 15 लाख थी कटक खड़ी। हे संजय, मैं आज तुम्हारे सम्मुख यह स्वीकार रहा, मेरे पुत्रों की वांछा का मात्र धर्म आधार रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मम पुत्रादिक बहुत लड़े, किंतु अधर्म आधार के कारण रणचंडी की भेंट चढ़े। दुर्योधन दुशासन को उनके घमंड ने खा डाला, और अधर्म ने द्रोण भीष्म की बुद्धिशिला को हिला डाला। प्रतिशोधी प्रवित्त ने संजय कर्ण के सबगुण नाश दिया, अप्रतिशोधी प्रवित्त के कारण अश्वत्थामा ने पाप किया। अतः हमारे कौरव कुल का कुरुक्षेत्र संहार हुआ, धर्मराज का शासन आया, भारत में धर्म विस्तार हुआ। हे संजय, द्वापर युग बीता, अब कलयुग चढ़ आया है, देखो अब मेरे प्रिय भारत पर धर्म की कैसी छाया है। महाराज की आज्ञा पाकर संजय ने ध्यान लगाया है, एक क्षण में व्याकुल होकर वह त्राही त्राही चिल्लाया है। संजय मुख से त्राही त्राही सुन महाराज विस्मित हो बोले, संजय ऐसे क्यों चित्कारे, क्यों क्षण मात्र में नेत्र को खोले। संजय बोला, हे महाराज, लगता है मुझे दीर्घ भ्रम है हुआ, धरती पर ऐसा दिखा दृश्य है, भारत अतिव विपन्न हुआ। लगता है निजमति भ्रम कारण अन्य राष्ट्र पर दृष्टि है डाला, भारत ऐसा हो नहीं सकता, खंड खंड में बंटने वाला। महाराज बोले, हे संजय, स्वर्गिक जल से नेत्र को धोलो, पुनः राष्ट्र पर ध्यान लगाओ, भारत दशा स्वमुख से बोलो। संजय ने हरि नाम समीर कर फिर से ध्यान लगाया है, पुनः प्रथम सा दृश्य दिखा है, फिर संजय यह कुलाया है। अति व्याकुल है संजय का मन, फिर भी नेत्र नहीं खोल रहा है, आहत भारत आह सनातन, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। भारत की दुर्दशा देख संजय की आत्मा है रोती, द्वापर युग के ज्योति पुंज की नष्ट प्राय अब हुई है ज्योति। संजय मन में सोच रहा है, द्वापर से अब तक की बेला, दीनहीन मेरा भारत हो गए, कलयुग ने क्या खेल है खेला। महाभारत की धर्म थापना, धर्म स्थापना को धर्म थापना कह दिया गया। महाभारत की धर्म थापना अति सत्वर क्यों नष्ट हो गई, कैसे भारत हो गया हत, त्याग तपस्या कहाँ सो गई। भारत के भूगोल में अब तो विस्मयकारी है परिवर्तन, अखंड भारत के भूगोल में किसने किया खंड का नर्तन। इस नर्तन का भूतकाल भारत इतिहास बताएगा, इतिहास भूत का दर्पण है, किंचित भी नहीं छिपाएगा। अब तक के सभी घटनाक्रम को संजय ने संक्षेप में देखा, देखे कैसे भारत मन पर खींचती रही विभाजन रेखा। दुर्घटनाओं के दर्शन कर संजय ने नेत्रों को खोला, नेत्रों से भई अश्रु सरिता रुद्रकंठ महाराज से बोला, महाराज अब राष्ट्र आपका अति परिवर्तन झेल चुका है, परिवर्तित भूगोल हो चुका, कई महाभारत झेल चुका है। संजय की बातों को सुनकर महाराज हो गए अति व्याकुल, आ मुझ अंधे पर दया दिखाओ, करो नहीं मुझको शोकाकुल। हे संजय, क्या हुआ राष्ट्र को, क्यों उसके हैं दुर्दिन आए, क्या कोई आधि व्याधि प्रसरी है, क्यों प्रिय राष्ट्र है कष्ट उठाए। महाराज, कारण कष्टों की दीर्घ श्रृंखला देख रहा हूँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर दृष्टि में फेंक रहा हूँ। महाराज, द्वापर से अब तक बहुत बहा गंगा में पानी, गंगा जल के साथ महाप्रभु परिवर्तित हुई बहुत कहानी। जन्मे जय पश्चात महाप्रभु गुरुकुल हुआ अस्ताचल गामी, केंद्रीय सत्ता हुई विखंडित हुए नाना राज्य राजधानी। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाराज एक क्रांति आई, मेरी समझ से थी वैचारिक किंतु धार्मिक क्रांति कहाई। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धर्म सनातन हुआ विखंडित, नाना पंथों और महंतों ने किया शपथ को महिमा मंडित। इसी काल में महाराज 16 जनपद अस्तित्व में आए, सब विस्तृत होने की आस में रहे, परस्पर बैर बढ़ाए। 16 जनपद युद्ध विजय में मगध हो गया सबसे आगे, आनंद वंश के सम्मुख नरपति बहुराज्यों ने शस्त्र त्यागे। नंदों के साम्राज्य की आशा पश्चिम सीमा नदी पिपासा, अर्थात पश्चिम में ब्यास सीमा नदी थी,
ब्यास नदी सीमा थी नंदों के साम्राज्य की। नंदों के साम्राज्य की आशा पश्चिम सीमा नदी पिपासा, किंतु पिपासा के पश्चिम में खंडित खंडित राष्ट्र की आशा। ब्यास नदी के पश्चिम में छोटे छोटे जनजातीय राज्य थे, उनके बारे में बात कही गई है। इन खंडित राज्यों के पश्चिम पारस का साम्राज्य था, जन्मा पारस अर्थात वर्तमान फारस। हर्षमणि वंशीय शासक थे, सब थे साम्राज्य के कर्मा। 4 शताब्दी ईसा पूर्व में यवन क्षेत्र ने ली अंगड़ाई। मत्स्य द्रोण के लघु राज्य ने विश्व विजय द्वंद भी बजाए। मत्स्य द्रोण अर्थात मकदूनिया मेसिडोनिया। मत्स्य द्रोण के अलकचंद्र ने पारस को परास्त कर डाला। हर्षमणि वंशीय राजधानी शुआश को भस्मसात कर डाला। सोसा नाम था उस समय ईरान की राजधानी का। अलकचंद्र की विजयी सेना सिंधु नदी तट पर आ पहुंची। तक्षशिला के आम्भिक ने तो स्वगरिमा शत्रुपग रख दी। महाराज आम्भि नरेश उसी गांधार का राजा था जो महारानी का गतिगृह था। कभी कुरकुल संग बंधन बांधा था। आम्भिक ने क्षण भर में नरपति सिंधु वितस्ता किया समर्पित। वितस्ता अर्थात झेलम नदी, वितस्ता उसका झेलम का प्राचीन नाम है। आम्भिक ने के सहयोग के कारण हुई वितस्ता त्वरित आक्रमित। किंतु वितस्ता पार हे राजन था पुरुषोत्तम नाम का राजा, जिसके राज्य में हे कुरुपत श्री यवन विरुद्ध रणडंका बाजा। अलकचंद्र ने दूत था भेजा पुरुषोत्तम आम भी बन जाए। पुरुषोत्तम ने दिया था उत्तर यह निर्णय रणभूमि कराए। महाराज फिर झेलम तट पर कारी क्षेत्र में युद्ध हुआ था। बल पुरुषोत्तम हुआ पराजित, किंतु कलंक ने नहीं छुआ था। महाराज अलकचंद्र तो ब्यास नदी तक बढ़ आया था, पर नंदों की गाथा सुनकर वह नहीं साहस कर पाया था। अब भारत की इति गाथा में मौर्यों का अभ्युदय हुआ है। इनके काल में मेरे भारत ने पारस की सीमा को छुआ है, अर्थात भारत फिर ईरान की सीमा तक बढ़ गया। महाराज मौर्यों के युग में धर्म सनातन दीन हुआ है। शासन की छाया पा करके गौतम धर्म प्रेमीन हुआ है। महाराज अब पूर्ण राष्ट्र में गौतम के ही संग हैं दिखते। अयत्र तथा सर्वत्र राष्ट्र में भिक्षुक भिक्षाटन हैं करते। मौर्यों का भी पतन हो गया, शुंग वंश का शासन आया। अजन के लघु शासन में सनातन ने अपना नवजीवन पाया। शुंगवंश उपरांत महापुरु केंद्र पुनः हो गया विखंडित। फिर गुप्तों का शासन आया स्वर्ण काल से महिमा मंडित। गुप्तों के उपरांत महापुरु पुनः राष्ट्र हो गया विखंडित। राजपुत्र शासन है आया युद्ध हुआ है महिमा मंडित। इधर राष्ट्र में उथल पुथल है, अर्व देश में कोलाहल है। अर्व अर्थात अरब। इधर राष्ट्र में उथल पुथल है, अर्व देश में कोलाहल है। एक पुरुष प्रतिनिधि बन आया सकल अरो पर शीघ्र ही छाया। सकल अरो अब युद्धातुर हो मत प्रसार का प्रण है उठाया। अर्व देश में चहूँ ओर अब निज अश्वों को है दौड़ाया। अर्व आक्रमण के प्रभाव में पारस नव मत पोषी हो गया। महारानी गांधारी का गृह भी अब नवमतमय हो गया। महाराज इस घटनाक्रम ने किया राष्ट्र संस्कृति को खंडित। कभी सनातन गामी जनगण अब हो गए नवमत के पंडित। महाराज निज गृह में सनातन सरलार्थी क्या रूप धरे है। आक्रांता नवमत शासन तो सनातन सर्वस्व हरे है। किंतु राष्ट्र के राजपुत्र तो उन्मादी बने युद्ध कर रहे। पश्चिम भाग हो रहा जर्जर, ये जन मध्य हेतु मर रहे। कि पश्चिमी भाग में अरबों का आक्रमण हो रहा है, किंतु ये मध्य भाग में युद्ध किए जा रहे हैं भारत के। यदा कदा नवमत के आक्रमण इन पर भी होते रहते हैं। आत्मघाती राजपुत्र गण बीज बैर के बोते रहते। महाराज अब गजानीक में गर्जनीश का शासन आया। धर्म सनातन मूर्ति भवन पर यह तो है यमराज सछाया। महाराज इस गर्जनेश ने बार सप्तदश किया आक्रमण। सप्त सिंधु तक के प्रदेश में करता रहा सनातन से रण। महाराज यह गर्जनेश तो राष्ट्र मध्य तक था आ पहुँचा। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को अस्त ध्वस्त कर अतिशय लूटा। हे नरपति जब गर्जनेश ने सोमनाथ पर किया आक्रमण, समकालिक लोगों ने बोला नाथ स्वयं कर लेंगे रक्षण। महाराज जब गर्जनेश ने मंदिर का प्राचीर ढहाया, सोमनाथ मंदिर प्रांगण में अतिशय मानो रक्त बहाया। गर्जनेश अर्थात महमूद गजनवी को कहा जा रहा है। सोमनाथ प्रतिमार्थ जनों ने जब धन का प्रस्ताव दिया था, गर्जनेश ने कुटिल भाव से धन को अस्वीकार किया था। गर्जनेश ने कहा था नरपति भले मुझे धन की अतिलिप्सा कि मैं धन का बहुत लोभी हूँ, किंतु मूर्ति भंजक बनने की मेरे मन में महती इप्सा नहीं चाहता। मैं इत गया था मुझे मूर्ति विक्रेता जाने, मैं चाहूँ मुझ गर्जनेश को यह जग मूर्ति विध्वंसक माने। सोमनाथ की उस मूर्ति को गर्जनेश गजनीक ले आया। सोमनाथ होनित अपमानित, इसलिए सीढ़ियों में लगवाया। महाराज इन अपमानों पर राजपुत्र सब मौन रहे। पुनः युद्ध संलग्न हुए सब राष्ट्र व्यथा अब कौन कहे। महाराज इस घटनाक्रम में गौरी नामक शासक आया। पृथ्वीराज तृतीय को हरा कर था अपना साम्राज्य बढ़ाया।
एक एक कर उत्तर के सब राजपुत्र की हार हुई। उत्तर भारत में नवमत की प्रबल प्रचंड हुंकार हुई। यद्यपि बैर परस्पर करके राजपुत्र गोरी से हारे, पर जयचंद को दोषी करके सब जा बैठे एक किनारे। महाराज जयचंद आज तक भारत द्रोही कहलाता है, बिन अपराध हुआ यह दंडित यह न कोई समझाता है। महाराज अब उत्तर पथ में दास वंश का शासन आया, खिलजी तुगलक सैयद लोधी सब ने नवमत बहुत बढ़ाया। महाराज इन नववंशों ने दक्षिण पथ को क्रिया प्रभावित, अजंधन को कर दिया आतंकित, किया सनातन को अपमानित। महाराज तुगलक शासन में एक वाह्य आक्रांता आया, तैमूर 1398 ईस्वी में जो भारत पर आक्रमण किया था। महाराज तुगलक शासन में एक वाह्य आक्रांता आया, अल्प समय में लाखों जनों को उसने यमपुर था पहुंचाया। इसी भांति अब उथल पुथल में चलता रहा भारतीय शासन, पश्चिमी सीमा से बाबर ने किया राष्ट्र पर त्वरित आक्रमण। महाराज पानीपत रण में पुनः राष्ट्र की हार हुई। खनवा और चंदेरी पर आज जैसे अब हाहाकार हुई। वाह्य जनों का बढ़ता शासन कांतहीन अब हुआ सनातन। इसी मध्य हे नाथ राष्ट्र में आंग्लजनों का हुआ पदार्पण। आंग्लजन अर्थात अंग्रेज यूरोपीय शक्तियां। महाराज इन आंग्लजनों ने जब भारत को दास बनाया, धन के साथ ये जन भी ले गए, यत्र तत्र किसी दास बनाया। महाराज गौरांग काल में एक भीषण विद्रोह हुआ था, किंतु एकता के अभाव में इसने नहीं निज लक्ष्य हुआ था 1857 का विद्रोह। महाराज इस जन विप्लव को आंग्लजनों ने तुरंत दबाया, दमन चक्र में स्वयं राष्ट्र के अन्य जनों ने साथ निभाया। हे नरपति इन आंग्लजनों ने राष्ट्र में अतिशय भेद बढ़ाया, पृथक जनों को का सहयोगी बन राष्ट्र विभाजन तक पहुँचाया। महाराज गौरांग काल में दो भीषण जग युद्ध हुए थे, दो विश्व युद्ध। अनिश्चम राज्य सुरक्षा हेतु राष्ट्र परस्पर क्रुद्ध हुए थे। महायुद्ध का हुआ समापन, द्वितीय महायुद्ध का समापन। महायुद्ध का हुआ समापन किंतु स्वराष्ट्र में युद्धोद्घाटन। इन युद्धों के फलस्वरूप प्रभ हुआ राष्ट्र का विकट विभाजन। महाराज जब वर्षा ऋतु में अर्थात जब स्वतंत्रता मिलती भारत को अगस्त माह में, महाराज जब वर्षा ऋतु में खंडित देश स्वतंत्र हुआ था, सीमा क्षेत्रों में तो प्रभुवर जन हत्यारा तंत्र हुआ था, स्वतंत्रता निर्द्वंद मिली थी। अंग्रेजों ने भारत को अपने संसद में नियम पास करके स्वतंत्र कर दिया था। स्वतंतता निर्द्वंद मिली थी, पर खंडन ने खेल वह खेला, 10 लाख से अधिक जनों को क्षण में मृत्यु की ओर ढकेला। विभाजन की त्रासदी में लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। महाराज लाखों ललनाओं की मर्यादा ध्वस्त हुई थी, लाखों ललनाओं की लीला वापी कूपों में अस्त हुई थी। खंडित नव भारत में नरपति शासन का नवतंत्र है आया, लोकतंत्र प्रभु नाम है इसका, राजतंत्र को दूर भगाया। महाराज भारत का शासन एक पुस्तक से चलता है, पुस्तक में स्पष्ट लिखा है भारत एक संप्रभु सत्ता है। महाराज प्रिय स्वराष्ट्र में दो बैरी अति मुखर हुए हैं। महाराज प्रिय स्वराष्ट्र के दो बैरी अति मुखर हुए हैं, सदा राष्ट्र को क्षति पहुंचाते काल अग्नि संप्रखर हुए हैं। महाराज प्रिय स्वराष्ट्र में धर्म राज्य में भेद हुआ है। महाराज प्रिय स्वराष्ट्र में धर्म राज्य में भेद हुआ है, अर्थात धर्म और राज्य पृथक पृथक हो गए हैं। धर्म निरपेक्ष धनिरपेक्ष वह बन बैठा है, उसे धर्म पर खेद हुआ है, राष्ट्र क्या हो गया, धर्म निरपेक्ष हो चुका है। महाराज अब तो भारत में रामलला न्यायालय जाते, वर्षों तक अभियोग हैं लड़ते, तब कहीं जाकर न्याय हैं पाते। राम सेतु के घटनाक्रम में प्रश्न चिन्ह लगता है राम पर, हुई सनातन की अति दुर्गत राम कृष्ण के धराधाम पर। महाराज मेरा मन रोता है अब भारत की दशा देखकर, महाराज जन जन रोता है अब भारत की व्यथा देखकर। बार बार खंडित अपमानित और प्रताड़ित होने पर भी, निज स्वराष्ट्र की मर्यादा के लांछित विघटित होने पर भी, लोग यहाँ के नहीं सुधरे हैं, स्वार्थ सुधी बनकर उभरे हैं। सुधी मतलब विद्वान, स्वार्थ के विद्वान। लोग यहाँ के नहीं सुधरे हैं, स्वार्थ सुधी बनकर उभरे हैं, अभी परस्पर कलहातुर हैं, पूर्व रोग से नहीं उभरे हैं। महाराज मैं मौन हो रहा अब कुछ नहीं कह पाऊँगा। महाराज मैं मौन हो रहा अब कुछ नहीं कह पाऊँगा, मैं भारत की यह दशा देख कर लगता है मर जाऊँगा मैं। अतः नाथ अब मैं सदृष्ट भारत पर नहीं फेर सकूँगा, भारत को तो नाना दुख है, मैं नहीं उनको हेर सकूँगा। महाराज मेरे वर्णन से राष्ट्र चित्र अस्पष्ट हो चुका, कोई गौरव शेष न रहा, एक एक कर नष्ट हो चुका। धृतराष्ट्र बोले हे संजय ओह ये कैसा युग है आया, जिसके हेतु हुआ महाभारत आज उसी पर दुर्दिन छाया। भले मेरे दुर्योधन का सिंहासन पर अधिकार नहीं था, पर संजय उस सपने में भी खंड राज्य स्वीकार नहीं था। दुर्योधन ने खंड राज्य को जुए में था छल से जीता, कि राज्य का विभाजन हो गया, युधिष्ठिर खांडव प्रदेश के राजा बन गए, किंतु दुर्योधन ने उसे जुए में जीत लिया क्योंकि उसे अखंड राज्य चाहिए था।
दुर्योधन ने खंडराज को जुए में था छल से जीता, भले वचन दे डाला था वह, किंतु वचन था रीता रीता। जुए में हराने के बाद उसने वचन दिया था कि अगर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलता से पूरा कर लेंगे तो मैं राज्य दे दूंगा, किंतु उसने फिर मना कर दिया, नहीं दूंगा। 13 संवत वन अनुभव ले, अर्थात 13 वर्षों का वन भोग करके 13 संवत वन अनुभव ले, पांडव जब थे सम्मुख आए, दुर्योधन को सुकृत न था, खंड राज्य उनको मिल जाए। दुर्योधन के हटके आगे पांडव ने था सब कुछ त्यागा, दुर्योधन के हटके आगे पांडव ने सब कुछ त्यागा था, वंशागत निज राज्य छोड़कर मात्र 5 ग्राम मांगा था। दुर्योधन का मत था संजय राष्ट्र कभी पैतृक नहीं होता, बहुत बड़ी बात है ये दुर्योधन का कि राष्ट्र पैतृक संपत्ति नहीं होता है कि जिसको पुत्रों में बांट दिया जाए। दुर्योधन का मत था संजय राष्ट्र कभी पैतृक नहीं होता, राष्ट्र पिताओं का भी पिता है, पिता कभी न विभाजित होता। अतः मेरे दुर्योधन ने तो केशव को ललकार दिया था, अभिनय युद्ध के सुचक्र भी देना नहीं स्वीकार किया था। हे संजय, मेरा दुर्योधन था अखंडता का संपोषक, अखंडता उसे अतिशय प्रिय थी, भले था वह पांडव जन शोषक। अतः मेरा दुर्योधन भी यदि अर्धराज्य स्वीकारा होता, अखंडता रक्षार्थ संजय युद्ध नहीं ललकारा होता, तो दुर्योधन राजा होता खंडन पीड़ित अर्धराष्ट्र का। अब भले राष्ट्र द्विराष्ट्र हो जाता, पूर्ति तो करता स्वयं स्वार्थ का। राष्ट्र कभी खंडित ना होवे इसी हेतु उसने ललकारा। पांडव सहकुल सहधर्मी थे, पांडव तो उसके कुल के थे, उसके भाई ही थे, चाचा के लड़के ही थे, पांडव सहकुल सहधर्मी थे, कुछ भी नहीं था बैर हमारा, बस अखंड राज्य को छोड़ दिया जाए तो। महाभारत का युद्ध जो हुआ मात्र धर्म रक्षार्थ नहीं था, अखंड भारत लक्ष्य था, उसका कोई खंडित राष्ट्र नहीं था, मात्र अखंडता हेतु है संजय दुर्योधन ने युद्ध किया था। भले कहे यह विश्व निवासी नैतिकता के विरुद्ध किया था, किंतु तुम्हारा वर्णन संजय चीख चीख कर यह कहता है भारत की यह दशा हुई जो कैसा जनमानस रहता है। हे संजय, यह जनमानस तो राष्ट्र हानि पर रोष न करता, सदा स्वार्थ में लीन है रहता, अंधों समनिज कोष है भरता। यदि जनमानस जागृत होता तो नहीं कभी सनातन रोता, पारस के आशा नित्य त्याग कर रेडक्लिफ पर न संकुचित होता, कि ईरान की सीमा को त्याग करके रेडक्लिफ रेखा पर अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा के जहाँ तक संकुचित न हो जाता। भारत का यह वर्णन सुनकर संजय मेरी आत्मा रोती, इस हेतु मेरा कुल भेंट चढ़ा, इस घटना पर मुझे ग्लानि है होती। लगता है अब भारतवासी गीता पढ़ना भूल गए हैं, राष्ट्र हितों से नयन मूंद कर स्वार्थ दोल पर झूल गए, यानी स्वार्थ के झूले पे झूल रहे हैं। यदि संजय ऐसा ही होगा तो भारत का भविष्य होगा आने वाले 100 वर्षों में इस प्रश्न पर निर्णय होगा, कि 100 वर्षों में निर्णय हो जाएगा कि भारत का भविष्य क्या है। देखो संजय, 100 वर्षों में भारत की क्या दशा है होती, निज गौरव को प्राप्त करेगा या बुझ जाएगी इसकी ज्योति। मुझे नहीं लगता है संजय, धृतराष्ट्र ने बहुत बड़ी बात कही है, मुझे नहीं लगता है संजय केशव यहाँ पुनः आएंगे और युद्ध कातर अर्जुन को राष्ट्र युद्ध पर समझाएंगे। पांडव ने हमारा भारत जीता क्योंकि केशव पार्थ साथ थे, सत्ता भोग लक्ष्य नहीं उनका, राष्ट्र हेतु नहीं स्वार्थ साथ थे। किंतु आज के माधव अर्जुन सत्ता हेतु हुए लालायित, येन केन विधि सत्ता भोगे, भले राष्ट्र हित हो पालायित। लोकतंत्र के कारण संजय जनता हुई है आज जनार्दन, किंतु स्वार्थ प्रियता के कारण इसमें भी हो गया विकट विभाजन। वर्तमान के केशव यदि अर्थात जनता ही वर्तमान में जनार्दन बनी है, वर्तमान के केशव यदि राष्ट्र हितों के उन्मुखी होंगे तब हे संजय भारत संत स्वार्थ त्याग कर सुसुखी होंगे। हे संजय, तव दुख का सागर मुझे पूर्ण आभास हुआ है, मुझ जैसे जन्मांध हृदय को भारत दुख सागर ने छुआ है। अपनी जन्म अंधता हेतु विधिको साधुवाद मैं करता, भारत की दुर्दशा देखकर हे संजय मैं कैसे सहता। समाप्त। आज 19 अगस्त 2022 कृष्ण जन्माष्टमी आज पर्व है, और इस छायांकन में मेरे सहयोगी रहे हैं।